तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज जो है मेरा इंटरव्यू का डे है, तो आप देख सकते हैं आपका भाई रेडी ओडी होके अभी तैयार हो गया है। तो अभी मैं इंटरव्यू देने जाने वाला हूँ और होप कि इंटरव्यू मेरा अच्छा जाए और जॉब मिल जाए। तो देखते हैं आज क्या होता है। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, आज का दिन में जो जो होगा मैं आप लोगों को वही दिखाऊँगा। बट निकलने से पहले आप लोग ये देख लीजिए, जो मैं मेरा फ्रेंड के रूम में आया हुआ था, तो ऐसा कुछ है इसका रूम। तो आप देख सकते हैं कि बैचलर का रूम कैसे रहता है। तो हम लोग का जो लाइफ है ऐसा ही है, हम लोग स्ट्रगल करते हैं। और ये जो है ये इसका किचन है, तो देख सकते हैं कि भाई का किचन जो है ऐसा है कुछ। तो अभी हम लोग जो है मैं अभी निकलने वाला हूँ मेरा इंटरव्यू के लिए। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा जहाँ पे मैंने रुका होता उसका थोड़ा एक टूर दे दूँ, मैंने कैसे रहा। आप देख सकते हो ये कुछ ऐसा लग रहा हो आज इंटरव्यू देने के लिए जो जा रहा हो। तो अभी जो है मैं निकल चुका हूँ घर से, तो अभी जा रहा हूँ इंटरव्यू देने के लिए। तो जहाँ पे मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू देने, तो वो मेरे रूम से कुछ 10 मिनट का दूरी पे है। तो अभी कुछ खाया भी नहीं, तो कुछ खाना भी है, कुछ खाना वाना खा के फिर चलते हैं इंटरव्यू देने। तो इंटरव्यू दे लेता हूँ, तो उसके बाद बताता हूँ आप लोग को कि आज क्या हुआ इंटरव्यू में मेरे साथ, मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ। आप लोग बने रहिए, उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूँगा कि क्या हुआ। तो अभी जो मैं इंटरव्यू देके आ चुका हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि इंटरव्यू में आज क्या हुआ। तो मैं बताना चाहूँगा कि इंटरव्यू तो मैंने दे दिया लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ यार, तो क्या कर सकते हैं, ट्राई तो करना ही है। लेकिन यार एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे मेरा लाइफ में भी स्ट्रगल चल रहा है ना, तो मैं मेरा लाइफ से जो सीखा, तो एक ही चीज़ सीखा हूँ कि लाइफ में कभी हार नहीं मानना चाहिए। और अभी तो लगता है जैसे मैंने जो अभी यूट्यूब शुरू किया है, कैमरा के सामने बोलना जो सीख रहा हूँ अभी, तो ऐसा लग रहा है कि यार मेरे पास तो कोई है नहीं, क्योंकि मेरा फैमिली में मम्मी पापा मेरा वाइफ और मैं ही हूँ, और कोई तो है नहीं। तो अभी लगता है जितना भी मेरा फ्रेंड्स वगैरह था, तो सब जॉब वगैरह लग गया, तो अभी वो लोग भी बाहर में होते, तो अभी लगता है मेरे साथ कोई बात करने का है तो नहीं। तो कैमरे के साथ बात करता हूँ तो अच्छा लगता है कि मेरा जो भी फैमिली है अभी यूट्यूब में, तो लगता है कि मैं आप लोगों का मेरा जो लाइफ है शेयर कर सकता हूँ। तो यार इंडिया में ना पता नहीं कैसा है जॉब का सिस्टम, क्योंकि पहले तो वो लोग बोलते हैं कि एक्सपीरियंस लाओ फिर जॉब देंगे। यार एक बात हमको मेरे को समझ में नहीं आता है कि अगर एक्सपीरियंस के लिए कोई जॉब नहीं देगा तो एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा। अगर कोई कंपनी चांस देता ही नहीं है तो मेरे को एक्सपीरियंस मिलेगा कहाँ से। और एक बात है कि जैसे कैंपसिंग में सिलेक्ट करता है, तो जिनका कैंपसिंग में सिलेक्ट नहीं होता है तो उन लोग क्या करेगा। उन लोग को मिलता है, अभी जैसे मैं आसाम से हो तो मैं जाऊँगा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जिधर भी जाओ, बेंगलोर जाओ, कहीं पर भी जाओ, तो वहाँ पर मिलेगा मेरे को 12,000 का नौकरी। तो अभी यार 12,000 में मैं रूम रेंट दूँ, खाना खाओ, ट्रांसपोर्टेशन दूँ, घर पे पैसा भेजूँ, एडुकेशन का जो लोग लोन लेके पढ़ाई करते हैं तो वो एडुकेशन लोन दे क्या करे। तो इतना प्रॉब्लम है, मेरे को लगता नहीं कि मतलब आजकल जो एडुकेशन सिस्टम है या हम लोग का देश में जो जॉब का सिस्टम है पता नहीं कैसा है, क्योंकि आजकल एक्सपेंसेस तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन आदमी का जो इनकम तो इतना है नहीं। अब मेरे को किस वजह से आज रिजेक्ट किया, आप लोग सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। मेरे को बोल रहा है कि मेरा एडुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो ये रिजेक्ट करने का कुछ मतलब मेरे हिसाब से कोई वैलिड रीज़न तो है नहीं यार। कोई यार बंदा अगर मतलब रेडी है आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, क्योंकि उसको काम का ज़रूरत है, और आप ये बोल के आप उसको मतलब बाहर कर दे रहे हो कि उसके एडुकेशन क्वालिफिकेशन ज़्यादा है, तो इससे तो मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है जो इसको लेके मैं बोलूँ। तो ये सब चीज़ जो है हम लोग को, मैंने तो बहुत फेस किया। और मेरा एक ऐसा भी टाइम था, मतलब जब मैंने पढ़ाई कंप्लीट किया था, तो मेरा ऐसा भी टाइम था कि सब लोगों ने बोला कि Naukri.com हो गया या जो भी जॉब पोर्टल्स हो गया तो वहाँ पे अप्लाई करो। मेरा वैसा भी दिन गया कि मैंने हर दिन 100-100 अप्लाई किया, हर दिन का 100 जॉब अप्लाई किया, लेकिन फिर भी कभी कॉल नहीं आता था। बोलता था कि पेड वर्जन ले लूँ तभी कॉल आएगा या वो सब आएगा, लेकिन मेरे को लगता है मेरा यार नसीब ही ख़राब है। किसी किसी का हो जाता है, किसी किसी का नहीं होता है। तो मेरे जैसे लाखों करोड़ों होंगे अभी हम लोग का देश में, जिन लोग का मतलब ऐसे ही स्ट्रगल चल रहा है, तो उन लोग मेरे साथ शायद रिलेट कर पा रहे होंगे। लेकिन एक चीज़ है, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ किसी किसी को गलत भी लग सकता है,
उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। लेकिन ये जस्ट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि मेरे जैसे और भी होंगे जो मेरे जैसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं, मेरे जैसा जो है जॉब को लेकर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अपना लाइफ को लेकर प्रॉब्लम कर रहे हैं। क्योंकि जो बंदा अपना जीवन का 20 साल दे के अगर पढ़ाई करता है तो 20 साल का कुछ तो वैल्यू मिलना चाहिए। तो अगर कोई वैल्यू नहीं है ना यार, तो इसका तो कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि 20 साल आप पढ़ाई करते हो, अपना माँ बाप का जो पैसा है वो भी जाता है, तो माँ बाप हम लोग का जिसका भी हो जितना भी, जो हम लोग बहुत अमीर खानदान से, उन लोग का तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जैसा जो मिडिल क्लास बंदा है, तो हमारा जो माँ बाप है बहुत मेहनत करके हम लोग को पढ़ाता है यार। लेकिन अभी जैसे ना ये सब होता है तो बहुत दुख लगता है कि जो मेरा एक ड्रीम था कि मैं जैसे मोटो ब्लॉगिंग करूँ या वो सब करूँ, क्योंकि बट मैं कर नहीं पाया क्योंकि मेरे पास वो सब है ही नहीं, मैं कैसे करूँ मोटो ब्लॉगिंग। तो अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो धीरे धीरे शायद मैं मोटो ब्लॉगिंग भी करूँगा, या यूट्यूब को मैं एक करियर के हिसाब से भी मैं ले सकता हूँ। लेकिन उसके लिए तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा यार, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करोगे तभी मैं यूट्यूब को मेरा करियर जब से ले पाऊँगा। क्योंकि ये एक ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ना कोई यार एक्सपीरियंस मांगता है, ना कोई डिग्री मांगता है, ना कुछ मांगता है। यहाँ पे जो रियल है भाई, जो अगर वो दिखाऊंगा मैं तो शायद आप लोग मेरे से रिलेट कर पाओगे, आप लोग मेरे को प्यार दोगे तो, और मेरा चैनल शायद ग्रो करेगा कभी ना कभी। और अगर ग्रो कर गया आप लोगों का प्यार से, तो एक ना एक दिन मैं मेरा जो डेली ब्लॉग्स है उनमें थोड़ा मोटो ब्लॉगिंग का भी करने का कोशिश करूँगा। बट वो तो बात का बात है, लेकिन अभी तो मेरे पास ऐसा कुछ रिसोर्सेज नहीं है जो जिसको लेके मैं मोटो ब्लॉगिंग करूँ या कुछ करूँ। लेकिन यार मेरा बहुत ये अच्छा लगता है मेरे को मोटो ब्लॉगिंग करना, क्योंकि मेरे को बाइक चलाना भी बहुत पसंद है और मैं ट्रैवल करना बहुत पसंद करता हूँ। लेकिन अभी तो पॉसिबल नहीं है, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो कभी ना कभी ट्रैवल भी करेंगे और मैं जहाँ जहाँ पे जाऊँगा आप लोगों को भी मेरे साथ लेके चलेंगे, क्योंकि यार आप लोग ही मेरा फैमिली हो। और मेरे जैसे मैंने जैसे बोला, मेरे फैमिली में तो है ही हम लोग बस कुल मिला के 4 जन, और अभी आप लोग यूट्यूब में जितना लोग मेरे साथ जुड़ेंगे तो आप लोग ही मेरा फैमिली हो। तो बस वही है कि आप लोगों को अगर मेरा वीडियोज़ जो मैं बना रहा हूँ अभी, क्योंकि देखो मैं तो अभी नया हूँ, मेरा बोलने का स्टाइल भी थोड़ा मतलब गलत हो सकता है, कुछ हो सकता है, इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। धीरे धीरे मैं सीख जाऊँगा, क्योंकि एक दिन में तो कोई सीखता नहीं है कुछ, तो धीरे धीरे मैं भी सीख जाऊँगा कभी ना कभी, थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए, तो तब तक के लिए थोड़ा बर्दाश्त कर लेना यार। और एक बात है कि जैसे मेरा जो चैनल है अगर ग्रो करता है तो मैं जैसे मेरे जैसे जो बंदे हैं जिनको जॉब नहीं मिल रहा है या बहुत जैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अगर मेरा वीडियोस उन लोगों तक पहुंच जाता है तो उन लोग के लिए भी थोड़ा मोटिवेशन बन जाएगा कि नहीं यार जॉब अगर नहीं मिलता है तो आदमी को हार नहीं मानना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। ऐसे घर पर बैठे रहने से कुछ नहीं होता। जैसे मैंने अभी यूट्यूब स्टार्ट किया है, तो यूट्यूब इसलिए स्टार्ट नहीं किया क्योंकि मेरे को इससे पैसा मिल रहा है अभी, क्योंकि लेकिन स्टार्ट करना ज़रूरी है। मैं यही बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि स्टार्ट करना ज़रूरी है, कभी ना कभी तो अगर आप मेहनत करोगे ना तो यार एक दिन भगवान भी हार मान जाएंगे आपको सक्सेस देने के लिए। भगवान कितना दिन आपको सक्सेस नहीं देंगे, जैसे मेरे को अभी मेरा जैसे बुरा दिन चल रहा है, तो क्या हो गया यार, इसे हार मानने का कुछ नहीं है। हार मान जाऊँगा तो भगवान को भी मज़ा आ जाएगा, या जो हम लोगों को जो मतलब हेटर्स है जो भी है उन लोग को तो मज़ा ही आता है जब आपका खराब दिन चलता है। जब आपका अच्छा दिन चलेगा तो बहुत आदमी मिल जाएगा, लेकिन यार जब बुरा वक्त चलता है ना तब मालूम चलता है कि असली दोस्त कौन है, या असली परिवार वाले कौन है, या अपना कौन है, वो तब मालूम चलता है। तो बस आज का ब्लॉग में मैं इतना ही बताना चाहता था। तो यार एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगता है तो यार प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए आई हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट कीजिए कि थैंक यू।